Good morning to all my dear students. In the last class, we have completed all the concentration terms. और मैंने आपको बोला था बुकलेट के सारे प्रॉब्लम आप लगा लीजिए, सारे प्रॉब्लम जितने भी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है आपके सेक्शन ए में जाना है ना, एक्सरसाइज का आप ए पार्ट सेक्शन ए लगा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अब सॉल्यूशन चैप्टर में एक्चुअल में इंटर कर रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखना चाहें कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहला मैं हेडिंग ए डालता हूं, फर्स्ट हेडिंग इज आवर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, क्या आखिर वेपर प्रेशर होता क्या है, किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है। पहले हम लोग प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पढ़ेंगे और बाद में इसी प्योर लिक्विड के अंदर कोई सोल्यूट डाल दिया जाएगा जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, तो फिर हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले मैं आपको एक फिनोमेना समझाना चाहता हूं, एवोपरेशन, कि आपका एवोपरेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं एवोपरेशन किसको बोलते हैं, क्या होता है एवोपरेशन, उससे हम लोग समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो एवोपरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर हमने एक खुला कंटेनर ले लिया, अगर एक खुले कंटेनर के अंदर हमने वाटर ले लिया, सपोज करो यहां तक मैंने वाटर को कोई प्योर लिक्विड भर दिया, प्योर लिक्विड ए, कोई प्योर लिक्विड ए मैंने यहां तक की हाइट तक भर दिया। क्या होगा अगर मैंने एक प्योर लिक्विड को खुले बर्तन के अंदर रख दिया है, तो कुछ समय के बाद अगर मैं आता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा। अगर मान लो मैंने 100 ग्राम प्योर लिक्विड को लिया है तो कुछ समय के बाद देखूंगा तो क्या वो 100 ग्राम रहेगा उसके अंदर प्योर लिक्विड, नहीं। क्या होगा कुछ समय के बाद थोड़ा सा लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एवोपरेट हो जाएंगे, है ना, वेपर के फॉर्म में यहां से निकल जाएंगे। अगर मतलब स्टार्टिंग में मास अगर हमने 100 ग्राम लिया है तो हो सकता है 10 मिनट के बाद हमें मास कितना मिलेगा, 80 ग्राम मिल सकता है, 90 ग्राम मिल सकता है, मतलब कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी इवोपरेट, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है सॉलिड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो चूंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल में अपने पास तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं ना, सॉलिड होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। और अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो सॉलिड के अंदर आपको पता है कैसा होता है, मैक्सिमम, और गैस में तो ये मिनिमम होता है, लेकिन लिक्विड में तो इंटरमीडिएट होता ही है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहता ही है ना। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर एक ग्लास पानी जमीन पे गिरा दिया तो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, होगा, लेकिन कुछ समय लगता है उसको, है ना। तो देखो जैसे अब ये प्योर लिक्विड है तो इसके बीच में जो मॉलिक्यूल यहां पे बैठे होते हैं बिल्कुल सेंटर में, है ना, इस मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे मॉलिक्यूल बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल। जो लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर के मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं अंदर की तरफ, उनको कौन सा मॉलिक्यूल बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल। अब बल्क मॉलिक्यूल चूंकि है तो बल्क मॉलिक्यूल पे बताओ अट्रैक्शन तो लग ही रहा होगा लिक्विड के अंदर, तो बल्क मॉलिक्यूल में चारों तरफ से अट्रैक्शन लगता है ना, हर डायरेक्शन से इसको अट्रैक्शन मिल रहा है, इस मॉलिक्यूल को डायरेक्शन हर तरफ से मिल रहा है ना, हर डायरेक्शन से इस पे अट्रैक्शन लगेगा। और कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पे भी दिखाई देंगे सरफेस के ऊपर, कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पे दिखाई देंगे, इन सरफेस के ऊपर भी दिखाई देंगे। देखो ये सरफेस मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स को कौन सा मॉलिक्यूल बोलेंगे हम लोग, सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल। अच्छा सरफेस मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होंगे, सरफेस पे आखिर कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, सरफेस पे वही मॉलिक्यूल आएंगे, ये सब कौन से मॉलिक्यूल है, ए के, क्योंकि हमने प्योर लिक्विड ए लिया है ना, तो सब मॉलिक्यूल कौन से होंगे, ए के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा सरफेस पे कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, सरफेस पे वही मॉलिक्यूल आएंगे जिनकी एनर्जी बल्क वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी से थोड़ी ज्यादा हो, तभी तो बाकी लोगों को धक्का देते हुए खुद ऊपर चले आएंगे। तो इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी ये अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, हर मॉलिक्यूल की जितनी काइनेटिक एनर्जी है उससे सरफेस वाले मॉलिक्यूल की थोड़ी सी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तभी तो धक्का देके कहां चले आएंगे, ऊपर सरफेस की तरफ। तो इनकी जो एनर्जी होती है ये अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे कौन से होंगे, अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी जितना अलग गैस सारे मॉलिक्यूल्स का है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, उससे थोड़ा सा इनकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा। और ये वाले कहां पे आएंगे, हमारे सरफेस पे आएंगे, थोड़ा सा फोकस कम हो रहा है ना, ये हमारे कहां पे आएंगे, सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो सरफेस पे वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनकी एनर्जी बल्क मॉलिक्यूल से थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा। अब अच्छा ये सरफेस पे आ गए मतलब इनकी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी पहले से क्या है, ज्यादा। इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से लगेगा, क्या केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
इसको तो केवल मॉलिक्यूल्स कहाँ से अट्रैक्ट करेंगे, नीचे की तरफ से ही अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इनके ऊपर वाले सरफेस पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा। अब ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आ गए, चूंकि इनको अट्रैक्शन केवल नीचे से मिल रहा है और इनकी एनर्जी भी पहले से ज्यादा है, तो क्या ये इस अट्रैक्शन को तोड़ के यहां से बाहर जा सकते हैं क्या आसानी से? बल का मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल तो आसानी से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल से ज्यादा थी, वही लोग सरफेस पे आएंगे। सरफेस पे पहला क्वेश्चन ये कि सरफेस पे कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, सरफेस पे वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनकी एनर्जी दूसरे बल्क मॉलिक्यूल से क्या हो, ज्यादा, ताकि वो दूसरों को धक्का देते हुए ऊपर चलाएं, तो उनकी अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरी चीज, इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल कहां से लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन से, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डाउनवर्ड से लग रहा है, और चूंकि इनकी एनर्जी पहले से ज्यादा भी है, तो क्या ये आसानी से अपने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के और यहां से ऑपरेट हो सकते हैं कि नहीं? तो यहां से मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर। लेकिन जो बल्क में मॉलिक्यूल बैठा है, बल्क वाले मॉलिक्यूल पे तो चारों तरफ से अट्रैक्शन लगा है, तो बल्क वाला फंसा रहता है। तो ये समझे, यही जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। क्या इसके लिए हमने कुछ किया? हमने कुछ नहीं किया, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद ही हुई, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जाके उस मॉलिक्यूल को तोड़ा और उसके बाद वो इवोपोरेट हुआ, ये सेल्फ फिनोमिना है, खुद से हो रहा है, तो इसको स्पॉन्टेनियस बोला जाएगा, ये खुद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो पहले जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिक्विड फेज में थे, पहले जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे, किस फेज में थे? लिक्विड में, और बाद में यहां से निकलने के बाद कौन से फेज में आ जाएंगे? वेपर फेज में। तो पहले जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में ऊपर के थे, वो किस में चले जाएंगे? वेपर फेज में चले जाएंगे, और इसी फेनोमेना को क्या बोला जाता है? इवोपोरेशन बोला जाता है। तो इस फेनोमेना को समझ गए पहले हम लोग कि इवोपोरेशन क्या है, तभी मैं वेपर प्रेशर को आपको डिफाइन कर सकूंगा, वेपर प्रेशर क्या होगा। तो पहले हमने एक ओपन कंटेनर लिया, ओपन कंटेनर में प्योर लिक्विड लिया, ये प्योर लिक्विड के जो बल्क मॉलिक्यूल है, बल्क मॉलिक्यूल जो अंदर का मॉलिक्यूल है, उसको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है, तो इसी वजह से ये कहीं भी जाने वाला नहीं, हर मॉलिक्यूल इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल बैठा होता है, उन सरफेस के मॉलिक्यूल कौन से जाएंगे? जिनकी एनर्जी पहले से ज्यादा हो, और दूसरा, चूंकि इनको केवल डाउनवर्ड से फोर्स मिल रहा है, इसीलिए आराम से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकते हैं और यहां से बाहर जा सकते हैं। जो बाहर निकल जाएगा तो पहले जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर मॉलिक्यूल में। तो इस यही स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर मॉलिक्यूल में, सरफेस के मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस आर स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज द इवोपोरेशन, उसी को हम लोग इवोपोरेशन बोलते हैं। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं इसे और आगे समझाता हूं आपको। तो देखिए, हम लोग क्या बोलेंगे, इवोपोरेशन की डेफिनेशन क्या बोलोगे? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवोपोरेशन। तो समझ गए, इस फेनोमेना को समझे, क्या बोलते हैं इवोपोरेशन? क्या होता है? सरफेस मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन होना वेपर मॉलिक्यूल में इज नोन एज द इवोपोरेशन। अब इससे हम लोग वेपर प्रेशर पे थोड़ा सा लिंक करते हैं। क्या होगा अगर इस कंटेनर को मैं ढक दूं, इस कंटेनर को अगर क्या हो, ढक दिया जाए? नीचे दिखाता हूं, जैसे देखो, अगर ये कंटेनर जो खुला था अभी, ये जो कंटेनर था अपने पास, सपोज करो यहां तक लिक्विड लेवल है, यहां पे लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं सारे, इसके अंदर प्योर लिक्विड ए है अपने पास, अभी मैं प्योर लिक्विड लेके समझा रहा हूं, ठीक है ना, आपका प्योर लिक्विड ए है। और क्या हो अगर इसके ऊपर मैंने इसे कवर कर दिया, ढक दिया, अगर इस चीज को ढक दिया जाए तो क्या होगा? देखो, इसे ढक दिया अभी हमने, है ना। अच्छा, अब ढक दिया तो क्या अब इस क्लोज कंटेनर के अंदर इवोपरेशन प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, ये बताइए मुझे। अगर इसको हमने क्लोज कर दिया ऊपर से, क्लोज कंटेनर के अंदर भी, ये क्लोज्ड कंटेनर हो गया अभी, क्लोज्ड कंटेनर, इसको हमने बंद कर दिया अभी, ठीक ना, ऊपर से बंद कर दिया, तो क्या इवोपरेशन होगा कि नहीं होगा? अभी भी इवोपरेशन होगा। आपको
पता हो तो आप चेक कर सकते हैं। आपके घर में जो बोतल होते हैं ना, आप देखना अगर यहाँ पे खाली जगह कुछ छोड़ दो ना बोतल के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ वेपर के मॉलिक्यूल्स आपको इकट्ठा हुए दिखाई देंगे। जैसे पानी का बोतल में पानी भरा रहता है आपका, थोड़ा सा उसको अगर जगह छोड़ दोगे ना तो वहां पे देखो तो आपको वेपर इकट्ठा हुए दिखाई देंगे। मतलब एवोपरेशन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि कंटेनर को क्लोज कर दिया तो ये रुक जाएगा, ये अभी भी होगा। अभी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट होना चाहेंगे, ये वेपर में अभी भी कन्वर्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि वेपर में नहीं कन्वर्ट होंगे। हाँ, लेकिन होगा क्या कि इनका कन्वर्ट होने का प्रोसेस जो है ये वेपर में कन्वर्ट होंगे, और वेपर भी साथ ही साथ किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। अब मास कम नहीं होगा, अब क्या होगा, जैसे ओपन कंटेनर था जब, तो ओपन कंटेनर में लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में बाहर निकल गए थे, तो आपका मास जैसे 50 ग्राम लिया था तो बाद में हो सकता है 45 ग्राम हो जाए। लेकिन अगर आपने 50 ग्राम वाटर को लिया है तो अब आपका 50 ग्राम वाटर रहने वाला है, मास में कोई चेंज होने वाला नहीं है। होगा क्या कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होकर यहां पर इकट्ठा होंगे। अब यहां पे दो प्रोसेस चालू हो जाएगी, लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट होगा, जैसे लिक्विड यहां पे देखो वेपर के फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा, और बाद में वेपर भी किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। तो क्लोज कंटेनर जैसे ही कर दिया जाता है ना तो दो प्रोसेस चालू हो जाती है, एवोपरेशन तो होता ही होता है, और साथ ही एवोपरेशन होगा और साथ ही साथ क्या होने लगता है, कंडेंसेशन। मतलब वेपर मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं, वेपर के अंदर। यहां पे देखो ये आपका लिक्विड मॉलिक्यूल था, ये आपके कौन से थे, लिक्विड मॉलिक्यूल, और ये वाले किसमें जा रहे थे, वेपर फेज में जा रहे थे, है ना, वेपर में। और ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं कौन से हो गए, अब वेपर मॉलिक्यूल। तो कंटेनर को क्लोज करने के बाद उसके अंदर दो प्रोसेस चालू हो जाते हैं, एवोपरेशन तो होता ही होता है, साथ ही साथ क्या होने लगता है, कंडेंसेशन होने लगता है, ठीक ना। तो होता क्या है, एवोपरेशन भी होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में भी जाएंगे, और वेपर भी किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, साथ ही साथ लिक्विड के अंदर। अब ये जब दो प्रोसेस चलने लगते हैं, तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, अगर दो रिएक्शन एक साथ शुरू हो जाती है तो वहां पर क्या स्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होने लगे, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट से मीनिंग क्या हमारे लिए, लिक्विड है, और प्रोडक्ट से मीनिंग क्या है हमारे लिए, वेपर है। तो हमारा लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर भी वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। मतलब अब दो रिएक्शन चलने लगे, लिक्विड वेपर में जा रहा है और वेपर भी लिक्विड में जा रहा है। कुछ समय के बाद दोनों में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, और उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होने का मतलब भी हो गया कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और दोनों का रेट अगर बराबर हो गया, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने का, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने का, जब ये दोनों रेट आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तब उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जाता है। और उसके ऊपर ये वेपर, ये वेपर जो मैं बता रहा था आपको, ये खाली बोतल के अंदर जो वेपर इकट्ठा होते हैं ना, ये वेपर कितना प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे उसके अंदर एग्जर्ट करते हैं। अभी क्या हो रहा था, ओपन था तो निकल जा रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, वो कुछ ना कुछ प्रेशर, ये वेपर कुछ ना कुछ इस क्लोज कंटेनर में प्रेशर डेवलप करेंगे, उसी डेवलप्ड प्रेशर को ही क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर बोला जाता है। समझ गए हम लोग कि वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या है। तो पहले तो मैं इवोपरेशन को मैंने समझाया ओपन कंटेनर की हेल्प से, अब जैसे ही क्लोज कंटेनर करते हैं तो दो प्रोसेस चालू होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस, इवोपरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा, और जितना वेपर इसके अंदर इकट्ठा होंगे, है ना, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये वेपर जितना प्रेशर डालते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर। तो पहले हम थोड़ा सा इवोपरेशन को और समझ लेते हैं, फिर मैं वेपर प्रेशर के ऊपर आता हूं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर भी आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में करता हूं। चलिए तो देखो, अभी हम लोग पहले ये देख लें कि इस इवोपरेशन प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना, फैक्टर्स। पहले मेरा पर्पज ये था समझाने का कि वेपर इवोपरेशन क्या होता है, किस तरीके से, क्या केवल ओपन में होता है, नहीं, ओपन में भी होता है और क्लोज कंटेनर में भी होता है, पर क्लोज में यह है कि इसमें वेपर लिक्विड भी वेपर में जाएगा और वेपर भी साथ ही साथ कंडेंस होकर किसमें आएगा, वेपर भी कंडेंस होकर किसमें आने लगेगा, लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे इस चश्मे को ही मेरे देखो, अगर इसके ऊपर मैंने वेपर को छोड़ दिया तो इसके ऊपर वेपर पहले इकट्ठा होते हैं, देखो वेपर आ जाता है, और कुछ समय के बाद ये वेपर खुद ही क्या हो जाते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं, उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो पहले हम लोग इवोपरेशन को थोड़ा समझ लें, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इवोपरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन,
कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, आरी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं उन्हें कि आरी आरी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, क्या लग रहा है कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते होंगे। सबसे पहले तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, वेपर में। दूसरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे, जितना ज्यादा ओपन एरिया रहेगा सरफेस पे उतना ज्यादा ही मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे और उतना ज्यादा वेपर प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, समझे क्या बात को। और तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड पे भी, ये लिक्विड का नेचर कैसा है, जैसे अगर वाटर है तो वाटर के वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अगर शहद ले लिया तो शहद में वेपराइज होने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। और एक और चौथा फैक्टर होता है, फोर्थ फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर दी सरफेस। ड्राई एयर को इस सरफेस के ऊपर से पास कराओ, ड्राई एयर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर N2 भी और O2 भी हो, है ना, उसको ड्राई एयर बोलते हैं। और एक होता है मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर में क्या होता है N2 O2 के साथ मॉइस्चर भी होता है, तो अगर किसी ड्राई एयर को किसी रूम में छोड़ दिया जाए ना तो वहां पूरा मॉइस्चर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर मैं इस सरफेस के ऊपर ड्राई एयर को फ्लो करा दूं, इसके ऊपर से ड्राई एयर को, तो क्या करेगा, इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के चक्कर में रेट ऑफ इवेपोरेशन को और क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन में अगर बात की जाए तो कौन कौन से फैक्टर दिखाई देंगे आपको, सबसे पहला फैक्टर किसको बोलोगे, टेम्परेचर को बोल दो, फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा टेम्परेचर। और टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, क्या हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेपर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपराइज होने की टेंडेंसी जल्दी से, ऊपर वाले मॉलिक्यूल तो और तेजी से भागेंगे फिर, तो वेपराइज होने की टेंडेंसी और ज्यादा हो जाएगी। फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर की बात करूं तो सेकेंड फैक्टर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। और कहां का देखना है हमें सरफेस एरिया, वाटर लेयर का, जो ऊपर वाला वाटर का लेयर दिखाई दे रहा है ना, वाटर लेयर या लिक्विड लेयर बोल दो जो भी लेना है, हम लोग जनरली वाटर ही ले रहे हैं अभी, तो कोई भी लिक्विड हो उसका कितना एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या होगा इसमें भी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सरफेस एरिया के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वाटर लेयर का, उतने ज्यादा इवेपोरेट होने की टेंडेंसी होगी। दो फैक्टर हो गए। थर्ड फैक्टर की बात करो तो तीसरा फैक्टर किसे बोल सकते हैं हम लोग, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे, नेचर ऑफ लिक्विड अगर वही मैंने समझाया, अगर वाटर रहेगा तो उसको वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, लेकिन अगर शहद है तो उसको वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होगी। तो अगर जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिस लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उतनी ही कम, और जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उनका वेपर में जाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा। तो नेचर ऑफ लिक्विड में क्या बोलोगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो उनका इवेपोरेट होने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। तो क्या ये तीन फैक्टर समझ गए, और फोर्थ फैक्टर क्या बताया मैंने, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस। तो फोर्थ फैक्टर मैं यहां पे ले लेता हूं, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द लिक्विड सरफेस, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द लिक्विड सरफेस क्या होगा इसके अंदर। तो ड्राई एयर अभी मैंने बताया, ड्राई एयर की टेंडेंसी क्या होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, तो मैं लिख देता हूं इसको, ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड बिकम सेचुरेट, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है एंड बिकम सेचुरेट विथ इट, इसके साथ क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। और ऐसा करने के चक्कर में वो क्या होगा, इन ऑर्डर टू डू डेट इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड बिकम सेचुरेट इट विथ, एंड इन ऑर्डर टू डू डेट, यहां लिख देता हूं मैं, एंड इन ऑर्डर टू डू डेट, इन ऑर्डर टू डू डेट इट इंक्रीजेज, इन ऑर्डर टू डू डेट इट इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन।
इन ऑर्डर टू डू दैट इट इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये चारों फैक्टर हम लोग समझ गए क्या? तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ क्या क्या किया हमने। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हमने समझ लिया क्या होता है, ये हमने डिफाइन नहीं किया अभी। उसके अंदर मैंने पहले आपको इवेपोरेशन समझाया। इवेपोरेशन क्या है? प्योर लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू वेपर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज द इवेपोरेशन। ठीक है, तो वो हमने कर लिया। और मैंने समझाया क्या ये केवल ओपन कंटेनर में होगा? नहीं, ये क्लोज कंटेनर में भी होगा, पर क्लोज कंटेनर में दो चीजें हो जाएंगी। अब मास का चेंज नहीं होगा, मतलब पहले आप 100 ग्राम वाटर लेंगे तो 100 ग्राम ही रहने वाला है। और दूसरी चीज कि इसमें अब इवेपोरेशन भी होगा, साथ ही साथ कंडेंसेशन भी होगा, दो दो प्रोसेस एक साथ चलने लगेंगे। और हमने देखा कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ लिक्विड अफेक्ट करता है, और फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर दी लिक्विड सरफेस भी अफेक्ट करता है कि ड्राई एयर की टेंडेंसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की और बिकम सैचुरेटेड विद एंड इन ऑर्डर टू डेट इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हमने चारों फैक्टर्स भी समझ लिए क्या है। अब ये क्लोज कंटेनर में, अब मैं वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए आता हूं। तो अब आपको क्लोज कंटेनर वाले कॉन्सेप्ट से समझाता हूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में ले रहा हूं। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी समझाया, सपोज करो ये कोई कंटेनर है अपने पास, है ना, यहाँ तक लिक्विड मान लो लेयर भरा हुआ है। ये वाले मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये सब। और इस कंटेनर को मैंने मान लीजिए ऊपर से क्लोज कर दिया, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या ओपन कंटेनर के लिए कभी आएगा? नहीं, ओपन कंटेनर में तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, तो वेपर पूरा निकल जाएगा। लेकिन क्लोज कंटेनर के अंदर, ये क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर के अंदर हमारा वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि क्लोज कंटेनर के अंदर जो भी वेपर बनेंगे ये हमारे लिए कौन से हैं? लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है, और लिक्विड मॉलिक्यूल कुछ समय के बाद किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो कुछ समय निकलने के बाद ये क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के यहाँ से लिक्विड मॉलिक्यूल किस में जाएंगे? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा वेपर है, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये वेपर इस तरीके से इकट्ठा होता है, ये वेपर हो जाएगा, वेपर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और वेपर मॉलिक्यूल भी कुछ समय के बाद देखोगे तो आप क्यों क्या होंगे? कुछ समय के बाद कंडेंस होना वो भी शुरू होंगे ना, ऐसा नहीं है कि वेपर वहां पे जाके रुका रहेगा। कुछ समय के बाद वेपर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं। तो ये हमारा कंडेंस्ड वेपर बोल सकते हैं हम लोग, ये कंडेंस्ड वेपर है, ठीक है ना, वेपर कंडेंस्ड हो रहा है। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल है ना, वेपर फेज में जा रहे हैं और ये वेपर मॉलिक्यूल अपना और कंडेंस्ड हो रहे हैं। तो अब इसको जरा सा समझो जरा सा, है ना, कि क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे टी बराबर जीरो पे अगर बात की जाए कि टी बराबर जीरो आपने बिल्कुल स्टार्ट किया, टी बराबर जीरो मतलब बिल्कुल जैसे ही आपने स्टार्ट किया किसी भी चीज का शुभारंभ करते हैं तो क्या होता है? टी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, टी इज इक्वल टू जीरो पे केवल क्या रहेगा हमारे पास? क्या इसके अंदर, ये मैंने अभी आपको समझा दिया, लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, और वेपर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है ना, हमारा क्या हो रहा है, जैसे ही क्लोज कंटेनर करते हैं दो प्रोसेस चालू होता है, इवेपोरेशन भी चालू होता है और कंडेंसेशन भी चालू होता है। इवेपोरेशन होने का मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन मतलब क्या? वेपर का वापस किस में कन्वर्ट होना? लिक्विड में। और जब दो रिएक्शन एक साथ चालू हो जाती है, तो जब दो रिएक्शन चालू हो जाएंगी तो कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच में क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, और ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद, अच्छा ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की खास बात क्या होती है? उसमें रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। और हमने पढ़ा ही है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ऑलवेज इन ए क्लोज कंटेनर। तो ये देखो कंटेनर भी कैसा है? क्लोज कंटेनर। और इक्विलिब्रियम के केस पे रिएक्टेंट का भी होना जरूरी है और प्रोडक्ट का होना भी जरूरी है, मतलब लिक्विड भी होना चाहिए इसके अंदर और वेपर का भी होना जरूरी है, और उन्हीं के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिश होने के बाद जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जो वेपर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे उस वेपर की वजह से जो प्रेशर आएगा उसी को क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर। तो अगर टी बराबर जीरो की मैं बिल्कुल बात करूं, टी बराबर जीरो पे क्या वेपर रहेगा? नहीं, टी बराबर जीरो पे केवल और केवल क्या रहेगा? रिएक्टेंट। तो टी बराबर जीरो पे रिएक्टेंट रहेगा हमारे पास, और हमारे लिए रिएक्टेंट क्या है इसमें? रिएक्टेंट हमारे लिए क्या है इसमें? लिक्विड है। तो टी बराबर जीरो पे हमारे लिए क्या रहने वाला है? लिक्विड। और कौन सा प्रोसेस होगा? क्या केवल इवेपोरेशन होगा उस समय?
टी बराबर जीरो पे केवल कौन सा प्रोसेस होगा, इवोपरेशन, मतलब लिक्विड किस में जाने की कोशिश करेगा, वेपर में। और जब लिक्विड वेपर में जाने की कोशिश करेगा तो मैं रेट ऑफ इवोपरेशन की बात करूं तो उस समय रेट ऑफ इवोपरेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, जितना इवोपरेट होने की कोशिश हो सकता है उतना रहेगा, तो रेट ऑफ इवोपरेशन मैक्सिमम रहेगा। और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा उस समय, जीरो, क्योंकि वेपर बना ही नहीं है तो कंडेंस होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो टी बराबर जीरो पे रिएक्टेंट रहने वाला है और रिएक्टेंट केवल क्या रहेगा, लिक्विड, और रेट ऑफ इवोपरेशन क्या रहेगा उस समय, मैक्सिमम, और कंडेंसेशन का रेट क्या रहेगा, जीरो। आरसी का मतलब क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये मैंने समझा दिया था आपको पीछे। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है, और आरसी का मतलब क्या हमारे लिए, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ इवोपरेशन मैक्सिमम रहेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन उस समय क्या रहेगा, जीरो। अच्छा, कुछ समय बीत जाए तो क्या होगा, टी बराबर टी पे क्या इक्विलिब्रियम तुरंत इस्टेब्लिश हो जाएगा। मान लो जीरो सेकंड से दस सेकंड, दस सेकंड पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ, तो जीरो से दस सेकंड के बीच का टाइम क्या रहेगा, टी बराबर टी, किसी भी जनरल टाइम पे, उस समय रिएक्टेंट भी रहेगा और हमारे पास क्या रहेगा, प्रोडक्ट भी रहेगा। तो टी बराबर टी पे क्या रहने वाला है हमारे पास, रिएक्टेंट भी रहने वाला है। रिएक्टेंट मतलब क्या, हमारे लिए लिक्विड भी रहेगा और प्लस साथ में प्रोडक्ट भी रहने वाला है। प्रोडक्ट का मतलब अब क्या, कुछ तो वेपर बन चुका होगा ना, कुछ तो क्या हो चुका होगा, वेपर बन चुका होगा। मतलब क्या अब हम टी बराबर टी पे कह सकते हैं दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस, इवोपरेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ हमारा कंडेंसेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं इस समय टी बराबर टी पे। क्या होगा, दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे। इवोपरेशन का मतलब क्या, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और कंडेंसेशन का मतलब क्या, वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अब दोनों प्रोसेस चालू हो गए हैं, ठीक है ना। तो दोनों प्रोसेस चालू हो गए हैं, क्या रेट ऑफ इवोपरेशन को कोई फर्क पड़ेगा क्या, इवोपरेशन के रेट को, इवोपरेशन के रेट को किससे किससे फर्क पड़ता था अभी बताया मैंने, इवोपरेशन को रेट को क्या क्या, टेम्परेचर, क्या हमने इसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज किया है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। सर्फेस एरिया, क्या हमने कंटेनर का चेंज किया है, नहीं, सर्फेस एरिया फिक्स हो गया। तीसरा, नेचर ऑफ लिक्विड, क्या लिक्विड को बदल सकते हैं अभी बंद होने के बाद, नहीं। और चौथा, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द लिक्विड सर्फेस, क्या इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर कोई सरफेस अगर क्लोज है तो कोई ड्राई एयर फ्लो करवा सकते हैं, नहीं। तो हमारे पास चार फैक्टर जो रेट ऑफ इवोपरेशन को अफेक्ट करते थे वो कोई भी चेंज करने वाले नहीं, तो रेट ऑफ इवोपरेशन तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन अब क्या होगा, कंडेंसेशन की रेट, कंडेंस होने की रेट, ये धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी, ये क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि वेपर जितने बनते जाएंगे कंडेंस होगी। अब देखो एक चीज क्या है, कांस्टेंट है, एक चीज क्या है, कांस्टेंट है, जैसे ये देखो ये चीज अपनी कांस्टेंट पे है, इस समय रुका हुआ है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे 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 बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, बढ़ते बढ़ते रेट ऑफ इवोपरेशन कांस्टेंट है, रुका हुआ रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि कोई फैक्टर से रेट ऑफ इवोपरेशन चेंज नहीं हो रहा। और कंडेंसेशन की रेट पहले जीरो पे थी और जीरो से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आ रही, कभी ना कभी तो रेट ऑफ इवोपरेशन को टच कर जाएगी। जब वो रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवोपरेशन दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएंगे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। पढ़ा है ना हमने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की क्या होती है, कंडीशन हो जाती है, और उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। तो यहां भी देखो, जो लिक्विड, जितना लिक्विड है उतना लिक्विड हो जाएगा, और जितना वेपर बन चुका है उतना वेपर रहेगा, जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। और वो इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, डायनेमिक रहेगा, मतलब डायनेमिक रहेगा। और उस समय जो वेपर प्रेशर डालेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या समझ पाए इस बात को हम, कुछ समय के बाद क्या होने वाला है, रेट ऑफ इवोपरेशन तो फिक्स है, बदलेगा नहीं, लेकिन कंडेंसेशन की रेट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी इवोपरेशन की रेट को टच करेगी, और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे उस समय यहाँ पे क्या स्टेब्लिश हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाने के बाद जो प्रेशर डेवलप होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर। तो ये टी बराबर टी पे बात हो गई। अब टी बराबर टी इक्विलिब्रियम पे बात करूं, थोड़े समय के बाद क्या होगा, टी बराबर टी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा, ये रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किस पे पहुंचेगा, रेट ऑफ, अच्छा इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट होता है कि प्रोडक्ट होता है कि दोनों होते हैं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब भी होता है कि दोनों चीजें एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम पे भी हमें रिएक्टेंट मतलब लिक्विड भी रहेगा, ठीक है, और प्लस साथ में क्या रहेगा, प्रोडक्ट भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा और प्रोडक्ट भी रहेगा, और प्रोडक्ट रहने का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, वेपर। तो इस समय लिक्विड भी रहेगा, वेपर भी, और कौन कौन से प्रोसेस होंगे, अभी भी दोनों प्रोसेस होंगे, इवोपरेशन भी होगा और साथ में कंडेंसेशन भी होगा। लेकिन अब क्या होगा,
अब लिक्विड वेपर, वेपर लिक्विड अलग अलग नहीं, अब क्या होगा लिक्विड और वेपर आपस में किस पे आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में, ये लिक्विड और वेपर किस में आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में आ जाएं, मतलब लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है और देखो वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में भी, तो अब ये इसी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं, जितना लिक्विड वेपर में जा रहा है उतना वेपर ही लिक्विड में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया रेट ऑफ एवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और ये दोनों रेट आपस में बराबर हो गए, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और इस तरीके का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है हमारे लिए डायनामिक इक्विलिब्रियम, समझे क्या बात को, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी प्रेशर ये वेपर डेवलप करेगा इस कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर, उसी को क्या बोल दिया जाएगा उसका वेपर प्रेशर बोल दिया जाएगा, समझ गए हम ये चीज को, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ के थ्रू इसको बता देता हूं किस तरीके से, अगले पार्ट में लेता हूं, ठीक है। चलो तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से काम हो रहा है, टी बराबर जीरो पे केवल रिएक्टेंट लिक्विड है, टी बराबर टी पे रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, और टी बराबर टी इक्विलिब्रियम पे भी रिएक्टेंट रहेगा प्रोडक्ट रहेगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, और वो कंडीशन क्या कहलाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और यही हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, और ये हमेशा मैंने बताया था इक्विलिब्रियम किस में होता है, हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर होता है, अगर किसी ने इसके अंदर छेद कर दिया कहीं से तो जो वेपर बनेगा वो तुरंत क्या होगा बाहर निकलता चला जाएगा, तो वहां पे आप वेपर प्रेशर को डिफाइन नहीं कर सकते, तो वेपर प्रेशर केवल और केवल कब डिफाइन है क्लोज कंटेनर के अंदर डिफाइंड है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम था वो फिक्स था, वो चेंज होने वाला नहीं है, कंडेंसेशन की रेट शुरू में जीरो थी, बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां जा सकती है इक्विलिब्रियम पे, तो अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में कोई पूछ ले कि इसको ग्राफिकल फॉर्म में बताइए कैसे दिखाया जाएगा, तो ये देखो अगर ये हमने रेट एक्सिस ले ली, कौन सी एक्सिस है रेट की, और ये एक्सिस हमने कौन सी ले ली टाइम एक्सिस, तो रेट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ पूछा जाए तो रेट ऑफ एवोपरेशन तो फिक्स है, देखो रेट ऑफ एवोपरेशन अपनी एक फिक्स वैल्यू पे है, वो टाइम के साथ बदलने वाला नहीं है, रेट ऑफ एवोपरेशन फिक्स है, कंडेंसेशन का रेट टी बराबर जीरो पे क्या था जीरो था, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ एवोपरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते जाते जाते कभी ना कभी तो इसको एवोपरेशन की रेट को टच कर जाएगा, यहां पे देखो यहां पे इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे जो टाइम हमें मिलेगा इस टाइम को कौन सा टाइम बोलोगे, क्या इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे इसी को, इक्विलिब्रियम टाइम का मतलब क्या है वो टाइम जिसके ऊपर रेट ऑफ ये कंडेंसेशन की रेट का ग्राफ है आरसी, रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो से बढ़ता बढ़ता जा रहा था, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ते बढ़ते रेट ऑफ इवेपोरेशन के जब बराबर हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट के बाद आर ई बराबर किसके हो जाएगा आरसी के, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और ये कंडीशन हमें कैसे दिखाई देगी डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसी को तो बोलते हैं हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो अगर ग्राफिकल फॉर्म में हमसे पूछ ले कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फिक्स है, रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जाएगा और एक बार इवेपोरेशन के रेट को टच कर जाएगा, बताया था कॉन्स्टेंट है धीरे धीरे बढ़ेगा, जब जाके वो टच कर जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम का टाइम है, और इस पॉइंट के ऊपर जो हमें प्रेशर दिखाई देगा उसी प्रेशर को कौन सा प्रेशर बोलोगे वेपर प्रेशर, क्या वो बदलता रहेगा क्या बार बार समय के साथ, नहीं, वेपर प्रेशर एक बार फिक्स हो जाएगा क्योंकि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की रेट क्या हो चुकी है कांस्टेंट हो चुकी है, तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर एग्जर्टेड बाय, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो जनरल तरीके का आम भाषा में अगर डेफिनेशन कोई पूछ लेना कि वेपर प्रेशर बताइए क्या हो, तो वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो वेपर प्रेशर डेवलप करेगा प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। लेकिन अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछ ले हमसे, जैसे 12 का चैप्टर है तो हमसे बोर्ड में डेफिनेशन वगैरह पूछेगा कि वेपर प्रेशर को डिफाइन करिए, तो वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर क्या बोला जाएगा, इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेशर डेवलप्ड बाय द वेपर फ्रॉम द लिक्विड लेयर है ना, इज नोन एज द वेपर प्रेशर। तो मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे, देखो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर हम लोग लिखेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाई, प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स फॉर्म, प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स फॉर्म्स इन द कंडीशन ऑफ, इन द कंडीशन ऑफ
डायनामिक इक्विलिब्रियम, द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, द डायनामिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर, क्लोज होना चाहिए कि ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन में तो वेपर प्रेशर डिफाइन ही नहीं होगा, इन ए क्लोज कंटेनर, इन ए क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर, इज नोन एज वेपर प्रेशर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया डेफिनेशन, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बोलोगे, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स फॉर्म, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल इन ए क्लोज्ड कंटेनर, कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड, नोन एज वेपर प्रेशर, क्या बोला जाता है उसी को वेपर प्रेशर बोला जाता है। समझे क्या बात को बेटा, एकदम सिंपल सा है ना। वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन किया, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, इन केस ऑफ, ये नोट करके ध्यान रखना, अगर वाटर के केस में इसी को एक्वस टेंशन बोला जाता है ना, तो ये भी मैं नोट करा के लिख देता हूं, इन केस ऑफ वाटर वेपर प्रेशर को वीपी लिखेंगे बार बार, ठीक है ना, इन केस ऑफ वाटर वेपर प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन, AQOU एक्वस टेंशन, इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में ना, इन केस ऑफ वाटर वेपर प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन, तो वाटर के केस में इसको हम लोग एक्वस टेंशन से भी बुला देते हैं। समझे क्या बात को, अब मैं आपको ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मेरे हिसाब से अच्छे से समझा दिया मैंने, क्या होता है, क्या बोला जाता है। अब हम लोग वेपर प्रेशर को देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है, किस तरीके से, डेफिनेशन तो हमने समझ ली कि कैसे डिफाइन किया है, अब वेपर प्रेशर मतलब को समझने चलते हैं कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये वेपर प्रेशर का फिजिकल मीनिंग क्या है, क्या वेपर प्रेशर हमको डिनोट करता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या होता है, तो उसको मैं अगले पार्ट में ले रहा हूं, ठीक है ना। चलो तो अब देखो जरा सा वेपर प्रेशर को हम लोग थोड़ा सा और उसके बारे में समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या हमें बताता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, आखिर हमें दिखाना चाहता है। ये लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर मैंने क्या लिया है, प्योर लिक्विड ये लिया है। अभी देखो मैं प्योर लिक्विड लेके चल रहा हूं, बाद में इसके अंदर हम लोग सोल्यूट डाल के क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो पहले हम लोग प्योर लिक्विड के बारे में देख रहे हैं कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर आखिर है क्या। ये हमारे लिए क्या है, लिक्विड है और बाद में इसको जब कंटेनर को हम लोग क्लोज करते हैं, इस कंटेनर को हमने बाद में क्या किया, क्लोज किया, तो इस कंटेनर को क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्या बनते आते हैं, कुछ वेपर भी बन जाते हैं, कुछ वेपर के भी मॉलिक्यूल बन जाएंगे, वेपर हैं ये, और ये वेपर यहाँ से कंडेंस भी होते हैं, है कि नहीं, वेपर क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, ये देखो। अच्छा, क्या तुरंत डालते हैं लिक्विड, जैसे ही कंटेनर क्लोज किया, क्या तुरंत लिक्विड, सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या इस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम क्या तुरंत इस्टेब्लिश होता है, नहीं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मान लो टी बराबर जीरो पे हमने लिक्विड को डाला और इक्विलिब्रियम हमारा 10 सेकंड के बाद इस्टेब्लिश हुआ, कितने समय के बाद, 10 सेकंड के बाद। अच्छा, तो जीरो से 10 सेकंड के बीच में कुछ ना कुछ तो इसके अंदर वेपर बना ही होगा, जीरो से 10 सेकंड में इसके अंदर, क्या कहना चाहता हूं मैं, मान लो टी बराबर जीरो टू 10 सेकंड तक की बात कर रहा हूं, मान लो मैंने कहा कि 10 सेकंड पे क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, 10 सेकंड पे क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम, तो 0 से 10 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ तो वेपर इसके अंदर बना होगा, क्या उस वेपर की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे क्या, उसको वेपर प्रेशर नहीं बोला जाता है, उसको तो क्या बोला जाएगा, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर अभी मैंने डिफाइन किया, वेपर प्रेशर डिफाइन ही कब है, वेपर प्रेशर डिफाइन ही कब होता है, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए और जो वेपर प्रेशर डेवलप करेगा उसके ऊपर उसको बोलते हैं। तो क्या मैं कह रहा हूं 10 सेकंड पे अगर इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझना इस चीज को, 10 सेकंड पे अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है तो क्या 0 से 10 के बीच में जो वेपर यहां पे बने होंगे क्या उनकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा उसको वेपर प्रेशर बोल सकते हैं क्या हम लोग,
उससे हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते, समझे बात को। तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे पार्शियल प्रेशर। उसको क्या बोलोगे, जीरो से दस के बीच में जो भी प्रेशर बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा। और कब वेपर प्रेशर, उस पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर कब बोला जाएगा, जब 10 सेकेंड हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो क्या इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद उससे ज्यादा प्रेशर डेवलप हो सकता है क्या उसके अंदर, नहीं, क्योंकि अब उससे ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि अब लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है और वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। मतलब वेपर प्रेशर एक तरीके का क्या है, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे आएगा, और वेपर प्रेशर जो है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्योंकि देखो जीरो से 10 सेकंड तक क्या बोल रहे थे, जो प्रेशर डेवलप हो रहा था पार्शियल प्रेशर, और जो 10 सेकंड पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ उसको क्या बोला था हमने, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो पार्शियल प्रेशर की कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। समझ पाए क्या वेपर प्रेशर। अब देखो जरा सा इसको समझो, जरा सा क्या कहना चाहता हूं मैं। देखो इक्विलिब्रियम जब आएगा तो H2O लिक्विड है अपने पास, पहले लिक्विड फेज में था, यही H2O लिक्विड किस में जाकर एस्टेब्लिश होगा, किसके साथ इक्विलिब्रियम बनाएगा, वेपर के साथ बनाएगा। यही अभी हमने सीखा कि H2O लिक्विड वाला फेज क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और वेपर वाला फेज क्या होगा, हमारे लिए प्रोडक्ट। अभी बताया ना मैंने, ये रिएक्टेंट बताया और इसको क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट। तो H2O लिक्विड वेपर है और ये H2O वेपर क्या है, प्रोडक्ट है। अच्छा, ये अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अगर ये इक्विलिब्रियम इन दोनों में एस्टेब्लिश है, तो क्या इस इक्विलिब्रियम का हम लोग केपी निकाल सकते हैं क्या, केपी बोलो, इस इक्विलिब्रियम का केपी निकाल सकते हो, बोलो केपी क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड। तो मैंने बताया था सॉलिड और लिक्विड कहीं नहीं लेते हैं, तो केपी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। हालांकि वेपर लिखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि चूंकि फिर भी हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि वेपर का ही प्रेशर आता है। यही जो केपी आएगा, केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, क्या ये इस जो जीरो से दस सेकेंड तक प्रेशर बनता जा रहा था ये उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद उससे ज्यादा प्रेशर डेवलप नहीं हो सकता। तो इस रिएक्शन का जो केपी लिखेंगे वो PH2 ऑफ वेपर लिखोगे, और ये PH2 ऑफ वेपर जो होगा इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझना ध्यान से, जीरो से 10 सेकंड के बीच में जो प्रेशर बन रहा था उसको पार्शियल प्रेशर बोले, 10 सेकंड पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो जो प्रेशर डेवलप होगा इन वेपर से उसी को क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर। और केपी कब डिफाइंड होगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, और केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, प्रेशर ऑफ H2O वेपर लिखा जाएगा। इसका मतलब जो इसके अंदर वेपर ने प्रेशर डाला है ये वही है क्या, प्रेशर ऑफ H2O। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, बोलो क्या यही PH2O को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही जो प्रेशर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, और बाकी उसके पहले जो जीरो से दस सेकंड तक चलता रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर। तो ये समझ गया क्या, जो केपी इस इक्विलिब्रियम के लिए जो केपी की वैल्यू होती है वही वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है, समझे। अब मुझे बताओ केपी किससे किससे फर्क पड़ता है, केपी को, केपी केवल और केवल टेम्परेचर से चेंज होता है, बताया था मैंने। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी केवल और केवल किससे चेंज होने वाला है, टेम्परेचर से। इवेपोरेशन अलग चीज है, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन को चार फैक्टर चेंज कर देते हैं, लेकिन वेपर प्रेशर को केवल और केवल क्या चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, और नेचर ऑफ लिक्विड भी चेंज करेगा ही, क्योंकि लिक्विड जैसा लोगे, ज्यादा अगर लिक्विड लोगे जिनमें ज्यादा वेपर में बनने की टेंडेंसी है, जो ज्यादा वोलाटाइल सब्सटेंस है तो जल्दी से वेपर में जाएगा, और जो थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो लिक्विड जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर हमें याद हो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर से हमने पढ़ा था कि देखो लिक्विड से गैस, लिक्विड से वेपर में जाना, लिक्विड से वेपर में जाना एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा कि एंडोथर्मिक, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, तो इस तरीके के प्रोसेस को कैसा बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक बोलेंगे। और वेपर से लिक्विड में आना कैसा होगा, वेपर से लिक्विड में आना कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। वेपर से लिक्विड, वेपर है और उससे लिक्विड, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालोगे ना, एंडोथर्मिक। हमारे लिए जो हम चाहते हैं कि वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा हो, वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा होने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना है कि बैकवर्ड में, तो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट करवाना है, वेपर में। तो अगर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करवाना है मतलब हमें कौन से रिएक्शन को देखना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। और एंडोथर्मिक, लिक्विड से वेपर जाना मतलब समझ रहे हो ना, कुछ अमाउंट ऑफ हीट दोगे तभी तो वेपर में कन्वर्ट होगा ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या सुटेबल कंडीशन होता है, उसकी केपी या केसी की वैल्यू किससे बढ़ती है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो केपी हो या केसी हो, इंक्रीजेज केपी और केसी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, किसके साथ बढ़ती है, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ये पता है कि नहीं हमें बात।
अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का केपी या केसी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो मुझे बताओ ये जो केपी की वैल्यू है ये टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, और केपी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बढ़ेगा। ये आपको समझ में भी आ रहा है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड किस में जाएगा, वेपर फॉर्म में, और ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर भी उस लिक्विड का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो केपी या केसी जो है वो इंक्रीज होती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड में, और फॉरवर्ड में जाएगी तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? और वेपर प्रेशर क्या समझे हम लोग, वेपर प्रेशर क्या है, 0 से 10 सेकंड के बीच में जो भी प्रेशर बन रहा था उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, और वेपर प्रेशर क्या है, इसी पार्शियल प्रेशर की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये किसी गिवन टेम्परेचर पे डिफाइन होगा, है ना। आप टेम्परेचर को बदलते जाएंगे तो केपी केसी बदलेगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बदलेगा। तो वेपर प्रेशर एक मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, पार्शियल प्रेशर की, और ये किसी गिवन टेम्परेचर पे होगा। तो मैं यही बात लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी दिए हुए टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है किसका, पार्शियल प्रेशर का, किसी दिए हुए टेम्परेचर पे। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को, फिर से मैं बता रहा हूं, लिक्विड वेपर में जा रहा है, ठीक है, 0 से 10 सेकंड पे इक्विलिब्रियम आ गया है। तो मान लो आप, मान लो कि आपका 5 ग्राम अगर इसके अंदर हमने लिया, कितना, 5 ग्राम मान लो अगर इसके अंदर वाटर लिया, तो 5 ग्राम वाटर पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। अच्छा, अगर 5 ग्राम से ज्यादा वाटर ले लिया तो क्या होने वाला है, 5 ग्राम से ज्यादा, तो 5 ग्राम तक तो इवोपरेट होकर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन अगर 5 ग्राम से कम वाटर लिया अगर हमने, और इक्विलिब्रियम 5 ग्राम वाटर को वेपर में बदलने पे आने वाला है, तो इसका मतलब 4 ग्राम अगर वाटर ले लिया तो पूरा का पूरा 4 ग्राम किस में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम वहां पे अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में खत्म हो गया। तो क्या उस समय उसको वेपर प्रेशर बोला जाएगा, क्या उसको वेपर प्रेशर नहीं बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर का मीनिंग केवल तब होगा जब रिएक्टेंट भी मौजूद और प्रोडक्ट भी, मतलब लिक्विड भी होना चाहिए और वेपर भी होना चाहिए। समझे मैंने क्या कहा, फिर से बोला हूं, अगर 5 ग्राम लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने पर इक्विलिब्रियम आता है, और अगर आपने 6 ग्राम लिक्विड दिया है तब तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा और 1 ग्राम लिक्विड बचा रहेगा। लेकिन अगर आपने 4 ग्राम लिक्विड डाला है और इक्विलिब्रियम अगर 5 ग्राम पे आता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, फिक्स है उसके लिए, अगर वो 5 ग्राम पे करता है और हमने 4 ग्राम ही दिया है, तो पूरा का पूरा वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, उस केस में वेपर प्रेशर डिफाइंड हमारे लिए नहीं होगा। समझे बात को, तो वेपर प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्या हो अगर मैंने इस मैक्सिमम वैल्यू से वैल्यू ज्यादा बढ़ा दिया, सपोज करो कि 300 mm ऑफ HG हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर कितना है, 300 mm ऑफ HG, इसका मतलब वेपर प्रेशर उसका कितना है, 300 mm ऑफ HG। क्या होगा अगर मैंने 310 mm ऑफ HG कर दिया, समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं, देखो 300 mm ऑफ HG हमारा मान लो कि पार्शियल प्रेशर की, वेपर प्रेशर की वैल्यू है, और अगर मैंने मान लो 310 कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो कुछ वेपर वाला अमाउंट, देखो केपी की तो वैल्यू चेंज नहीं होती ना, केपी की वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो अगर आप 300 mm ऑफ HG अगर आपका वेपर प्रेशर है, आपने 310 किया, तो कुछ वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और अगर सपोज करो 300 से कम ही कर दिया, अगर मान लो किसी ने घटा दिया वैल्यू को, 290 mm ऑफ HG कर दिया इसके अंदर का प्रेशर, तो वो तो 300 mm पे इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है ना, इक्विलिब्रियम कब बनने वाला है, वेपर प्रेशर की वैल्यू कब होगी, केपी जब फिक्स आ जाए, केपी 300 mm पे मिलने वाला है, तो आपने अगर 290 कर दिया तो जाहिर सी बात है कुछ लिक्विड और वापस किसमें जाएंगे, वेपर में, ताकि मेरी कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गए, ताकि केपी की वैल्यू थोड़ी सी क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो 290 को कहां पहुंचाने की कोशिश करेगा, 300 तक, वही रिएक्शन कोसेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था उस तरीके से, तो 290 को कहां पे लेके जाएगा, 300 पे, तो फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब कुछ लिक्विड वेपर में जाएंगे। लेकिन अगर मान लो 310 मैंने कर दिया, 310 कर दिया, तो इक्विलिब्रियम तो 300 पे मिलने वाला था, तो 310 कर दिया तो वापस बैकवर्ड में रिएक्शन जाएगी, मतलब कुछ वेपर किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में, ताकि वो 310 से वापस किस पे पहुंच जाए, 300 पे पहुंच जाए। क्या समझ पाए इस बात को हम लोग, तो उसी चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर क्या होगा, इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेज
बियॉन्ड द मैक्सिमम वैल्यू, अपने मैक्सिमम वैल्यू से अगर उसको ज्यादा कर दिया जाए, है ना, डेट इज मैक्सिमम वैल्यू मान लो 300 था, 300 से मैंने ज्यादा कर दिया, दैट इज वेपर मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम बियॉन्ड मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हमारे लिए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड लिख देता हूँ, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होता है उसी को हम लोग उसकी मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। तो हमसे बोला इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस बियॉन्ड द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू से भी अगर ज्यादा हमने कर दिया तो क्या होगा, देन सम वेपर क्या होगा, अगर ज्यादा कर दिया तो कुछ वेपर किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे, लिक्विड के अंदर, देन सम वेपर विल कंडेंस्ड, कुछ वेपर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और अगर कम कर दिया तो क्या होगा, देखो 310 तक किया था तो पीछे आएगा, कुछ वेपर किसमें चला जाएगा, लिक्विड में, लेकिन अगर कम कर दिया तो क्या होगा, कुछ लिक्विड वेपर में जाएगा या हो सकता है पूरा का पूरा ना जब तक चला जाए, तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, कंडेंस। एंड इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेज, पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर, इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेज बिलो दिस मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पार्शियल प्रेशर के वैल्यू से अगर कम हो जाए, पार्शियल प्रेशर जो उसके अंदर का है वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो जाए, कम हो जाए, देन लिक्विड विल वेपराइज, वो लिक्विड क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, अंटिल कब तक वो कन्वर्ट होगा, कब तक, देखो अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू हमने कम, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू उससे कम कर दिया, मतलब 300 पे मिलने वाला था लेकिन हमने 290 कर दिया, तो 290 कर दिया तो लिक्विड किस में जाना चाहेगा, वेपर में, ताकि केपी की वैल्यू फिर से 300 पहुंचे, तो उस चक्कर में क्या होगा, प्रेशर को अगर हमने कम कर दिया मैक्सिमम वैल्यू से, देन लिक्विड विल वेपराइज, और कब तक वेपराइज होता रहेगा, अंटिल, पहली चीज कब तक होगा, जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन, जब तक कि पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है, या तो पार्शियल प्रेशर की जब तक मैक्सिमम वैल्यू ना मिल जाए तब तक होता रहेगा, या तो पूरा का पूरा लिक्विड एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, जैसे मैंने 5 ग्राम वाले में समझाया था कि अगर 4 ग्राम दे दोगे ना और 5 ग्राम पे इक्विलिब्रियम आना है तो पूरा का पूरा 4 ग्राम खत्म हो जाएगा, या दूसरा हो सकता था ऑल द लिक्विड विल वेपराइज। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी बेटा, है ना, ढंग से समझ लो, वेपर प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू पार्शियल प्रेशर ही होती है, पार्शियल प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वेपर प्रेशर होती है, वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है ना वही हमारे लिए क्या होता है, वेपर प्रेशर, है ना, खत्म हो गया ये, देखो तो यही जो होता है वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका है, पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर आपने उससे जैसे 300 mm ऑफ एचजी आपने 290 किया तो वापिस वो किसमें जाने की कोशिश करेगा, 300, तो अब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू को तब तक इवोपरेट होगा जब तक पहुंच ना जाए, या तो हो सकता है पूरा का पूरा लिक्विड ही खत्म हो जाए और हमारा इक्विलिब्रियम अचीव ही ना हो, ये दो चीजें हो सकती है, अगर कम अमाउंट में डालोगे तो ये चीज हो जाएगी, तो ये हमने समझ लिया ये चीज क्या है, ठीक है ना। चलो अब मैंने जो समझाया ये केपी की वैल्यू केवल और केवल, चलो एक और पार्ट ले लेता हूं मैं, नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं इसे। चलो अब थोड़ा वेपर प्रेशर को न्यूमेरिकली बारे में समझते हैं, जरा सा वेपर प्रेशर में क्या करना है, तो देखो ये जो है वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द केपी, और केपी किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, तो और ये केवल और केवल किससे चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है केपी की वैल्यू, तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का जो होता है डिपेंड एंड ओनली अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, दिखाने का तरीका क्या होता है, तो देखो प्रेशर को दिखाने का सिंबल क्या है, प्रेशर को दिखाने का सिंबल क्या होता है, पी, प्रेशर को दिखाने का तरीका क्या होता है, पी, पी से दिखाते हैं, पी से हम लोग क्या दिखाएंगे, प्रेशर, लेकिन इसके पी के ऊपर एक नॉट लिखा हुआ मिलेगा, यहां दिखा रहा हूं देखो इस साइड पे दिखेगा, प्रेशर को दिखाएंगे कैसे, पी से, लेकिन इसके ऊपर नॉट लिखा रहेगा, पी नॉट लिखने का मतलब क्या हो गया, प्योर है, पी के ऊपर नॉट लिखने का मतलब प्योर है, और कोने में ए लिखा रहेगा क्योंकि ये किसका है, वेपर प्रेशर ए का, तो पी नॉट ए का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए,
तो P के ऊपर नॉट लिखा हो, कोने में लिखा हो, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। हमारा काम इस चैप्टर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो उस समय नॉट हट जाएगा, क्या निकालना पड़ेगा, PA, मतलब उसके अंदर कुछ डाल दिया गया है तब हमें निकालना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही सब चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, वेपर प्रेशर केवल और केवल किसके ऊपर, केपी पे डिपेंड करता है, और ये हमारी जो है वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है किसका, पार्शियल प्रेशर का। तो थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बता दूं, तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर पॉइंट बना के लिख रहा हूं मैं इसे, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जैसे केपी केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, उसी तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, एंड इट इज डिनोटेड बाई पी के ऊपर नॉट, किसके दिखाया जाता है, पी के ऊपर नॉट इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में पी के ऊपर नॉट करके डिफाइन किया जाएगा, और प्योर स्टेट में नहीं रहेगा तो नॉट हटा दिया जाएगा ना, ठीक है। आगे और एक चीज ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, केपी एक कांस्टेंट है जिसकी देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा जनरली गिवन होती है, इसी तरीके से इस चैप्टर का वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में गिवन होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर विल बी ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, गिवन रहेगी, because it is a constant value at different temperature, ठीक ना, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है जो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। आप नॉर्मल तरीके से भी लिक्विड अगर रखें ना इस बोतल में भर के, तो कुछ ना कुछ इसका इस समय वेपर प्रेशर यहाँ पे बना होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की एक वैल्यू होती है, और ये हमेशा प्रॉब्लम में हमेशा गिवन रहेगी हमें, क्योंकि ये इस चैप्टर का एक क्या है, कॉन्स्टेंट है, मैंने बताया ना ये इस चैप्टर का कॉन्स्टेंट है। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर के लिए परेशान नहीं होना है, प्योर लिक्विड के फॉर्म में हमेशा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, और केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ लिक्विड पे भी करेगा, दो फैक्टर्स हैं, एक टेम्परेचर है, दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड। और ये क्यों, क्योंकि ये केपी वैल्यू ही वेपर प्रेशर हमारे लिए कहलाती है। तो और हम लोग एक चीज और बस ये लिखेंगे कि वेपर प्रेशर जो है, एक चीज और कि केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड कॉमा वॉल्यूम ऑफ वेसल, कि वेसल का वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या है, एंड साइज ऑब्लिक शेप ऑफ कंटेनर, साइज ऑब्लिक शेप ऑफ कंटेनर इन विच लिक्विड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे वेपर प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या लिया है, कितना ले रहे हैं आप उससे मतलब नहीं है उसको, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या ले रहे हैं उससे भी मतलब नहीं है, साइज या शेप ऑफ कंटेनर कैसा ले रहे हैं उससे भी कोई मतलब नहीं होता है। तो वेपर प्रेशर एक न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में क्या रहती है, गिवन रहती है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे एज वेल एज नेचर ऑफ लिक्विड पे भी करेगा, जो कि आगे का पार्ट है, पर बेसिक हमें तो पैरामीटर टेम्परेचर से ही देखना होता है। और वेपर प्रेशर अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ वेसल के ऊपर भी नहीं, साइज या शेप ऑफ वेसल के ऊपर भी नहीं करेगा जिसके अंदर लिक्विड हमारा मौजूद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 100 ग्राम पानी है हमारे पास, 100 ग्राम पानी का वेपर प्रेशर मान लो आपको 300 mm of Hg है, 100 ग्राम वाटर का कितना है 300 mm of Hg, तो 200 ग्राम उसी वाटर का उसी टेम्परेचर पे कितना होगा,
तो वो भी हमेशा कितना रहेगा 300 mm/Hg, क्योंकि अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा। वॉल्यूम ऑफ वेसल, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक बार 2 लीटर के कंटेनर में रखा है तो 300 mm/Hg है, तो बताओ 4 लीटर के कंटेनर में कितना हो जाएगा। तो ये चूंकि एक चैप्टर का कॉन्स्टेंट है केपी है, और ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसका मतलब वो चार अगर आप 2 लीटर के कंटेनर में रखें और उसका अगर वॉल्यूम हम पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर आपका 300 mm/Hg है, तो 4 लीटर के 2 लीटर में अगर 300 mm/Hg है तो 4 लीटर में भी वही होगा। आपने बोला एक बार सर्कुलर शेप में रखा, एक बार रेक्टेंगुलर शेप में रखा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस चैप्टर का एक कॉन्स्टेंट है जो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के। तो आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूँ, पूरा वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट ढंग से समझा दिया है, दिमाग में बैठा लो बेटा, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो आगे की सारी चीजें हमें समझ में आएगी। और कल की क्लास में मैं कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में यहाँ से लूंगा आपका, ठीक है। तो आज यहाँ तक ये ढंग से सब लोग रिवाइज कर लो, ढंग से देख लो, 2-3 बार सुन लो अगर नहीं समझ में आए तो, क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था। तो पी नॉट ए का मतलब मैंने बता दिया था ना, पी नॉट ए को क्या पढ़ोगे, पी नॉट ए का मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो P नॉट को पढ़ने का तरीका क्या होगा, P मतलब वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड A नॉट लगाने की वजह से। तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। बाकी आई होप कि आप इसको रिवाइज करिए एक बार, देख लीजिए और यहाँ तक पूरा क्लियर रखो। कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।